नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक बड़ी खबरों को। बिहार में आज से लॉकडाउन हुआ खत्म। बिहार में आज से लॉकडाउन की अवधि को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। वहीं अब पूरे बिहार में अनलॉक 4 की बहाली कर दी गई है। अब राज्य से दूसरे राज्य में और राज्य के भीतर व्यक्तियों के आने जाने का और सामान ले जाने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक फिलहाल बंद रहेंगे। आदेश जारी किए गए हैं कि शादी और अंतिम समारोह में भी 21 सितंबर से 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क फिलहाल बंद रहेंगे और वह 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा। ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति रहेगी। हालांकि अनलॉक के चौथे चरण में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में 73,000 मतदाता बैलेट पेपर से करेंगे मतदान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं चुनाव को लेकर हर दिन चुनाव आयोग की तरफ से नियमों में भी काफी बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही कई बातों पर भी प्रत्याशियों को रूबरू करवाया जा रहा है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 73,000 ऐसे मतदाता चयनित किए हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में ईवीएम से मतदान नहीं करने वाले हैं, जिनके लिए प्रशासन ने बैलेट पेपर की व्यवस्था मुहैया करवाने का आदेश जारी किया है। ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है। वो मतदाता मतदान करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने इस बात की जानकारी दी है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मतदान करने की व्यवस्था बैलेट पेपर से मुहैया करवाई गई है। बिहार में सब्जी उत्पादक किसानों का होगा सर्वे। बिहार में सब्जी के खुदरा विक्रेताओं के लिए सरकार जल्द ही नए नियमों को लागू करने वाली है, जिसके तहत खुदरा विक्रेताओं को संगठित करने के साथ ही सरकार सब्जी उत्पादकों को हर सुविधा मुहैया करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, जिसके लिए राज्य के सब्जी उत्पादकों का डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। सर्वे एजेंसी को चुनने का काम सहकारिता विभाग को दे दिया गया है और इसके लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। सर्वे कराने वाली एजेंसी को हर किसान की पूरी जानकारी होना अनिवार्य होगा। किसान कितने रकबे में खेती करता है, कितने प्रकार की सब्जियों का खेती करता है, कितना उत्पादन होता है, रोज की खपत क्या है, बीज कहां से लाता है, जिससे किसानों की मूल समस्या का पता लगाना आसान होगा और उनके अनुसार उनकी समस्या दूर करने की कोशिश की जाएगी। पटना के 3 थाना प्रभारियों को किया गया लाइन हाजिर। SSP उपेंद्र शर्मा ने पटना के 3 थानेदारों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद लाइन हाजिर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली दानापुर, रामकृष्णा नगर के थानेदारों को लाइन हाजिर किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कोतवाली प्रभारी रामाशंकर सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। दानापुर के थानेदार राजेश कुमार सिन्हा को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं रामकृष्ण नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही रामकृष्णा नगर का नया थानेदार नियुक्त राजेश्वर प्रसाद को कर दिया गया है। वहीं रविवार को 10 थानाध्यक्षों को एक साथ ट्रांसफर भी किया गया है, जिसमें सुनील कुमार सिंह, अजीत कुमार साह, गौरी शंकर गुप्ता, मुकेश कुमार पासवान, शेर सिंह यादव, सतीश कुमार सिंह, चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता, अशोक कुमार, रंजीत वत्स, राजेश्वर प्रसाद, मनोज कुमार सिंह, मोहम्मद इरशाद अहमद, बद्री प्रसाद मंडल का नाम शामिल है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे कुमारी राधा की। कुमारी राधा एक जानी मानी हिंदी और मगही कवित्री थी, जिनका जन्म 7 सितंबर 1936 को बिहार के सुपौल जिले के जीवाजपुर में हुआ था। पेशे से कुमारी राधा सरकारी कर्मचारी भी थी, जिन्होंने कई सारे सामाजिक काम में अपनी भूमिका निभाई है। आपको बता दें, कुमारी राधा ने अपनी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से 1966 में पूरी की थी, जिसके बाद उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई 1968 में पूरी की थी। वहीं उन्होंने अपने जीवन काल में कई किताबों की संरचना भी की है, जिसमें सरयू कछारू की हिरनी, गुलमोहर का प्रश्न, आरतियों की बांसुरी और शकुंतला का नाम शामिल है। BCECEB में फार्मेसी और नर्सिंग में दाखिले का मिला एक और मौका। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने स्नातक स्तरीय कृषि, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी समेत अन्य पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसके तहत इच्छुक उम्मीदवार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले छात्रों को 12वीं में कम से कम 45% अंक आना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को अंक में 5% की छूट का ऐलान भी कर दिया गया है। बिहार के उत्तरी जिलों में बारिश की जताई गई संभावना। राजधानी पटना में हुए तेज बारिश के बाद मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत राज्य के उत्तरी जिलों में तेज बारिश की संभावना जारी की है, जिसके परिणाम स्वरूप समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, कैमूर, वैशाली,
वैशाली, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सुपौल में आने वाले दो तीन दिनों तक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि देश के मध्य हिस्से में सक्रिय मानसून पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह शिफ्ट हो रहा है, जिसके साथ ही मानसून अक्षीय रेखा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण बिहार से सटे उत्तरी हिस्से में बेगूसराय, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर में बारिश के आसार है। निश्चय संवाद के शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद को लिया निशाने पर। आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शुरू हुए निश्चय संवाद के शुरुआत में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को निशाने पर लिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म jadulive.com के जरिए लोगों को संबोधित करने के दौरान चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि इनकी राज्य में पहले हालात इतने बुरे थे कि सामूहिक तौर पर लोगों की जान जाती थी। आपदा राहत में लोगों की सरकार ने मदद की तो विपक्षी दलों ने टलिया बाबा नाम रख दिया। अगर यह पहले होता तो लोग ऐसा कहते, जब सत्ता मिली थी तब हमने SOP बनाया कि कब कौन सी परिस्थिति में क्या काम करना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे 10 सवाल। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 10 सवाल पूछे हैं, जिसके तहत उन्होंने पूछा कि पिछले 15 साल के आपके कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और पलायन क्यों बढ़ता गया है? बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% से ज्यादा क्यों है? नीति आयोग के सारे सूचकांक पर ध्यान साल दर साल के ऊपर चढ़ता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा व्यवस्था एवं विकास सूचकांक के बिहार अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचा? नीतीश कुमार बताएं कि उनके 15 साल के कार्यकाल में 20,000 करोड़ से ज्यादा के 58 घोटाले क्यों हुए? आपके कार्यकाल में दलितों की परेशानी क्यों बढ़ी? बिहार में शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब हो गई? प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का योजनावार और विभागवार खर्च कितना और कहां हुआ? मुख्यमंत्री बताया कि उन्होंने साल 2013-2017 में बार बार जनादेश का अपमान क्यों किया? बिहार जानना चाहती है कि नीतीश कुमार का नीति नियम, नियत, सिद्धांत और विचार क्या है। दरभंगा एम्स को वित्त मंत्रालय की मिली मंजूरी। दरभंगा वासियों को जल्द ही नए अस्पताल की सुविधा मिलने वाली है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय तरफ से दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में आने वाली लागत को मंजूरी देने के बाद मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राइमरी प्रोडक्ट रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई और बताया गया है कि दरभंगा का अस्पताल 750 बेड का होने वाला है और जिसके निर्माण पर 1361 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के आग्रह पर दरभंगा और राज्य में बन रहे दूसरे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य की समीक्षा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने वित्त मंत्रालय को हरी झंडी मिलने की जानकारी देते हुए कहा है और तेज गति से इस काम को करवाए जाने की निर्देश भी जारी की है। सोनू सूद की प्रवासी रोजगार मुहिम से कई लोगों को मिली नौकरी। बॉलीवुड अभिनेता COVID-19 के माहौल में मसीहा बनकर सामने आए हैं। इसी क्रम में सोनू सूद ने लोगों से किया वादा, एक बार फिर से पूरा कर लिया है। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ऐलान किया था कि वो प्रवासियों को नौकरी दिलवाने में मदद करेंगे। इसी क्रम में अब तक 58 प्रवासियों को नौकरी मिल गई है, जिसकी जानकारी खुद सोनू सूद ने दी है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि 58 प्रवासियों को उनकी नौकरी मिल गई है। जो लोगों को नौकरी मिली है उन्हें ढेर सारी बधाई। वहीं उन्होंने प्रवासी रोजगार के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है और कहा है कि खूब मेहनत से दिल लगाकर काम करो मेरे भाई। बिहार के गलियारे में हम की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में लोजपा को नहीं मिली जगह। NDA की गठबंधन में लोजपा के शामिल होने के बावजूद खींचतान का माहौल लगातार जारी है। वहीं जब से जीतन राम मांझी ने NDA से हाथ मिलाया है, तब से लगातार वो लोजपा को निशाने पर लेते रहे। इसी क्रम में हम की तरफ से जारी किए गए चुनावी पोस्टर ने एक बार फिर से गठबंधन पर सवाल उठा दिया है। उसमें मांझी की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी मौजूद है। लेकिन इस पोस्टर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को जगह नहीं दी गई है। उसमें लिखा गया है फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। लोजपा के नारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में यह नारा काफी मिलता जुलता है। हम पार्टी कार्यालय के सामने लगे इस पोस्टर पर प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह पोस्टर कार्यकर्ताओं ने लगाया है। चिराग पासवान कई मौके पर यह कहते आए हैं कि बिहार सरकार में उनकी पार्टी शामिल नहीं है। इस पोस्टर में उन्हीं नेताओं की तस्वीर लगी है जो बिहार की सरकार में शामिल है। धोनी की कप्तानी के मुरीद है ड्वेन ब्रावो। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर देश से लेकर विदेश के खिलाड़ी उनके मुरीद है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर खिलाड़ी ब्रावो ने भी महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी इस टीम में भी बदलाव को उसी तरह संभालेंगे जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को संभाला था। धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया था। भारत के महानतम कप्तानों में अभी भी वो गिने जाते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में से खिलाड़ियों के अचानक से जाने पर ब्रावो को लगता है कि धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम की कप्तानी की तुलना में कम दबाव होने वाला है, मगर धोनी सब संभाल लेंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि कुछ समय से उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरा मतलब है कि एक समय पर उन्हें अडिग होना पड़ेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पीछे हटते हो या पूरे माहौल को कैसे संभालते हो। आज ही के दिन भारत का चंद्र
चंद्रयान 2 से टूट गया था संपर्क। चंद्रयान 2 से संपर्क टूटने के बाद सभी भारतीय काफी ज्यादा मायूस हो गए थे। वहीं आज ही के दिन था जब पिछले साल 7 सितंबर के दिन भारत का चंद्रयान 2 मुहिम असफल रहा था। लैंडर विक्रम का चांद पर उतरने से ठीक पहले पृथ्वी के नियंत्रण केंद्र से संपर्क टूट गया था। इसके साथ ही इसरो ने वैज्ञानिकों की कई वर्षों की मेहनत पर पानी फेर गया था और पूरे देश में मायूसी छा गई थी। सिर्फ यही नहीं, आज ही के दिन कई और ऐतिहासिक कारणों से भी दर्ज है। 1812 में नेपोलियन ने रूसी सेना को हराया था। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1921 में मिस अमेरिका प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। 1963 में अशोक चक्र विजेता विमान परिचालक नीरजा भन्नोट का जन्म हुआ था। वहीं नीरजा भन्नोट जिन्होंने विमान में यात्रियों को बचाने के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। साल 2009 में भारत के पंकज आडवाणी ने विश्व पेशेवर बिलीडियर्स का खिताब जीता था। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 42 लाख के पार। देश में लगातार दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 90,802 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 42,04,613 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,016 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 71,642 पर पहुंच गई है, जिसके साथ ही भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। प्रभावितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत ने अब दूसरे नंबर पर अपना स्थान बना लिया है। कोविड 19 के मामले में ब्राजील अब तीसरे स्थान पर है। हालांकि मामलों में आ रही तेजी के बावजूद पूरे देश में अनलॉक को बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद ही मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार एनडीए में जारी आपसी कलह के बीच क्या एनडीए एकता के साथ चुनावी मैदान में उतरने में सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।